हेलो गाइज, वेलकम टू पैनल मीडियो। स्वागत है आप लोगों का पैनल मीडियो में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है रीजनिंग सेक्शन से एंड आज के क्वेश्चन का टॉपिक है क्लॉक्स। तो दोस्तों क्लॉक और कैलेंडर, एक कैलेंडर भी टॉपिक में इंक्लूड कर लेता हूँ, ये दो टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं एग्जाम में अगर ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि आप इन पर ज़्यादातर फोकस नहीं करते। बस उतना ही है इन टॉपिक्स में, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है जो और टॉपिक्स में होता है रीजनिंग के, सब सेम है बिल्कुल। और इजी टॉपिक्स ही हैं ये, बस आपको इनके थोड़े बेसिक्स को जानना होता है एंड आप इनको हमेशा इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों आज हम इस क्लॉक के क्वेश्चन को लेकर आए हैं आपके लिए, इसको ट्राई कीजिए खुद से एंड देन विल डिस्कस द सॉल्यूशन। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा क्या गया है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड व्हेन क्लॉक इज शोइंग 7:12। तो दोस्तों 7:12, ये अगर हम आर एंड मान लें तो 7:12 कुछ इस टाइप से बज रहा होगा। ये आपका 12 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये हो गया आपका दोस्तों 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये 5, 6, देन दोस्तों आपका 7, ये हो गया आपका 8, ये 9, 10, 11, 12। तो 7:12 हो रहे हैं, तो कुछ इस टाइप से बज रहा होगा। आर एंड में 7 जो आर एंड की सुई है वो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, और मिनट एंड में 12 पे है, तो यानी कि वो 10, 11 और 12, 12 के सामने होगी दोस्तों। तो हमें बताना है कि टोटल एंगल कितना है इन दोनों के बीच में। तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, आपको ये वाला बाहर वाला पूछा है, अंदर वाला पूछा है, छोटा एंगल पूछा है, ज़्यादातर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही पूछेगा दोस्तों। तो यानी कि या तो ये वाला पूछ लेगा, पर वो आप डायरेक्ट ऑप्शन में देख के बता सकते हैं दोस्तों, तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। हम निकालते हैं इसमें क्या होगा। तो घड़ी में जब 7 बज रहे होंगे, हाँ, तो हम 12 बजे से 7 बजे तक कितना एंगल बन चुका वो सबसे पहले निकालते हैं। तो दोस्तों अगर टोटल 12 घंटे कंप्लीट हो जाएं, तो मैं पूछूंगा आपसे कि कितना एंगल आर एंड बना देगा। आर एंड 12 यहाँ से चलेगा पूरा का पूरा, और टोटल टोटल एक सर्कल को कंप्लीट करने में 360 डिग्री एंगल बनता है, तो 12 घंटे में 360 डिग्री एंगल बना देगा। तो अगर मैं पूछूं आपको 7 घंटे में कितना एंगल बनेगा दोस्तों, 360/12×7 यानी कि 210 डिग्री एंगल वो बना लेगा, यानी कि 12 से 7 तक एंगल बनता है दोस्तों, टोटल 210 डिग्री। बट वो 7 नहीं बजे हैं, टोटल 7 से ज़्यादा बज चुके हैं, यानी कि 7:12 हो चुके हैं दोस्तों। तो 12 मिनट में हमें निकालना होगा कि आर एंड ने कितना मूव किया। अब आपको मैं पूछूं 60 मिनट में आर एंड कितना मूव कर लेगा, जस्ट 60 मिनट में, मतलब कि मिनट एंड तो पूरा का पूरा घूम कर वापस आ जाए, उतनी देर में आर एंड कितना मूव करेगा, यानी कि अगर 60 मिनट की बात करूँ तो मैं 7 बजे से 8 बजे के बीच में कितना मूव करा, उसने टोटल एक डिवीज़न मूव करा 12 डिवीजन्स में से, एक डिवीज़न मूव करा 12 डिवीज़न से, और पूरे 12 डिवीज़न से यानी कि 360 डिग्री, यानी कि हम बोल सकते हैं 30 डिग्री मूव करता है वो 60 मिनट में। अब बात करें, हमारे को दिया है दोस्तों 12 मिनट, हमें निकालना है 12 मिनट में कितना मूव करेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 30/60×12, यानी कि हो गया दोस्तों 12×5=60 और 5×6=30, यानी कि 6 डिग्री और मूव करा उसने। टोटल 210 डिग्री 7 बजे तक मूव करा था, और 7:12 तक वो मूव कर चुका है दोस्तों, 210+6 यानी कि 216 डिग्री। तो आर एंड हमारा 216 डिग्री आगे है 12 बजे से, यानी कि यहाँ से हमारा आर एंड 216 डिग्री ज़्यादा आगे है। अब बात कर लें दोस्तों मिनट एंड की, तो आप सभी को पता है दोस्तों 60 मिनट में घड़ी जो है आपकी मिनट एंड की, वो पूरा 360 डिग्री मूव कर जाती है। अगर उसने 360 डिग्री मूव कर लिया है, तो हम बता सकते हैं दोस्तों 12 मिनट में कितना मूव करा होगा, 360/60×12, ये हो गया दोस्तों आपका 12, ये 66 एंड 12×5=60, 12×6=72 डिग्री। तो टोटल मिनट एंड हमारा मूव कर चुका है दोस्तों 72 डिग्री, आर एंड मूव कर चुका है हमारा 216 डिग्री, यानी कि ये आपका मिनट एंड था, यहाँ से यहाँ तक वो 72 डिग्री मूव कर चुका था। बस हमें अब निकालना है दोस्तों उन दोनों के बीच में कितना एंगल था। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 216 डिग्री आर एंड में था, 72 डिग्री मिनट एंड में था। अगर हम इसको माइनस कर लेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 6-2=4, देन 11-7=4 अगेन 144 डिग्री। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को दोस्तों क्लियर हुआ होगा पूरा अच्छे से क्वेश्चन। एंड अगर कोई भी डाउट अगर आपको अब भी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, तो इसको लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे हमारी सारी वीडियोस के। अगर आप इस वीडियो को दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज पैनल मीडियो को लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।